ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। वन मंत्री ने कहा कि हाथियों से होने वाले नुकसान से बचने धान रखने का प्रयोग सफल होता दिख रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771-223-5091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाथियों से होने वाले नुकसान से बचने धान रखने का अभिनव प्रयोग सफल होता दिख रहा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश के सूरजपुर, धरमजयगढ़ और बालोद वन मंडल में खुले स्थान पर धान रखा गया था। इसमें से सूरजपुर वन मंडल के 3 स्थानों पर हाथियों के दल ने 14 क्विंटल धान खाया है। इसी तरह टुकू डांड 43 में 4 क्विंटल और बगड़ा P9 में 6 क्विंटल धान हाथियों ने खाया है। श्री अकबर ने बताया कि इस समय 307 हाथियों के 16 दल राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से 9 हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाया गया है। उन्होंने बताया कि हाथियों के आतंक से बचने के लिए गांव में हाथी मित्र का गठन किया गया है। वहीं आकाशवाणी कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के माध्यम से प्रतिदिन शाम 5:30 बजे हाथियों के संभावित विचरण के बारे में सूचना भी दी जा रही है। वन मंत्री ने बताया कि ग्रामीणों को हाथियों से बचाने अलर्ट सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत धान के बोरों को खोलकर हाथियों के सामने रखा जा रहा है ताकि भोजन पानी के बाद हाथियों का दल किसी प्रकार की क्षति न करे। उन्होंने बताया कि इस अभिनव प्रयोग के लिए धान की खरीदी नहीं की गई है, बल्कि खाद्य विभाग से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का विभागीय अंतरण के माध्यम से उपयोग किया जा रहा है। रायपुर दूरदर्शन केंद्र के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के सभी 28 जिलों में स्ट्रिंगर की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वे किस जिले के स्ट्रिंगर बनना चाहते हैं। एक आवेदक एक ही जिले से आवेदन कर सकता है। चुने गए स्ट्रिंगरों की नियुक्ति 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर की जाएगी। स्ट्रिंगर नियुक्ति से संबंधित पूरी जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharti.gov.in/pbvacancies पर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन स्पीच पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 5 अगस्त है। आमजन की समस्याओं का मौके पर निराकरण करने और डिजिटल ठगी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सूरजपुर पुलिस द्वारा मानी गांव में चलित थाना का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता की उपस्थिति में लोगों ने अपनी समस्याओं की जानकारी दी। इनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को एटीएम और साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को एटीएम पिन, ओटीपी, सीवीवी नंबर की जानकारी किसी से भी साझा करने से मना किया। श्रोताओं, देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर 6 अगस्त शुक्रवार से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं, राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों की छत्तीसगढ़ी और हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में पूछा जाएगा। श्रोताओं को ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए जवाब देने होंगे। ये जवाब ईमेल आईडी
RAIPURSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर SMS के जरिए भेजे जा सकते हैं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा आगामी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। यह प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम अगले 75 सप्ताह तक हर शुक्रवार को हुआ करेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक चक्री चक्रवाती घेरा उत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास स्थित है। इसके असर से प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान राजधानी रायपुर में आकाश आंशिक मेघमय रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग ने राज्य खेल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 7 से बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों द्वारा धन वापसी के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त है। कल महेंद्र कर्मा की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में श्री बघेल ने कहा कि महेंद्र कर्मा एक राजनेता ही नहीं बल्कि संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। धमतरी जिले के बोराई थाना पुलिस ने 12 नग हीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बस्तर जिले के नगरनाथ थाना अंतर्गत धनपूजी मंडी नाका के पास करीब 20 लाख रुपए कीमत के 4 क्विंटल गांजे के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले में 15 अगस्त तक चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने सार्वजनिक जगहों की साफ सफाई कर पौधारोपण किया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ की मुख्य सड़क पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोरबा जिले के दीपका थाना अंतर्गत रतीजा गांव में संचालित एक पावर प्लांट में हुए हादसे में 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दुर्ग पुलिस ने सट्टा खिलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। वन मंत्री ने कहा कि हाथियों से होने वाले नुकसान से बचने धान रखने का प्रयोग सफल होता दिख रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।